नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्रो ग्रीन फील्ड में स्वागत है। आज का टॉपिक है ब्लूबेरी प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल कैसे लें और इस पे कौन कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालें जिससे आपके ब्लूबेरी प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल आए। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें जिससे आपको ब्लूबेरी प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल लाने की संपूर्ण जानकारी मिल जाए। ब्लूबेरी की ऐसी किस्म चुनें जो आपकी जलवायु और मिट्टी के प्रकार के लिए उपयुक्त हो। शुरुआती वसंत या पतझड़ में ब्लूबेरी के पौधे लगाएं। ब्लूबेरी पौधे अच्छी धूप और अच्छी जल निकासी वाली 4.5 और 5.5 के बीच पीएच वाली अम्लीय मिट्टी को पसंद करते हैं। यदि आपकी मिट्टी अम्लीय नहीं है तो आप इसमें सल्फर और पीट मॉस मिला सकते हैं। ब्लूबेरी को लगातार नमी की आवश्यकता होती है, खास करके बढ़ते मौसम और फलों के विकास के दौरान। जड़ों के गहरे विकास को प्रोत्साहित करने के लिए गहराई से पानी दें, लेकिन कभी कभार। बोन मिल एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। बोन मिल ब्लूबेरी में स्वास्थ्य फूल और फल के विकास को बढ़ावा देता है। यह धीमी गति से निकलने वाला उर्वरक है। कंपोस्ट एक बेहतरीन सार्वजनिक जैविक खाद है। यह मिट्टी में पोषक तत्व जोड़ता है और की संरचना में सुधार करता है, जो ब्लूबेरी के लिए फायदेमंद है। खाद हमेशा एक अच्छी विकल्प है क्योंकि ये पोषक तत्व को धीमी गति से जारी करता है और मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जो पौधे के लिए फायदेमंद है। सीवीड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो पोषक तत्व और विकास हार्मोन से समृद्ध है, जो ब्लूबेरी में फूल और फल के विकास में सहायता करता है। लकड़ी का राख एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो फलों के विकास में मदद करती है। हालांकि इसे संयम से उपयोग करें क्योंकि यह मिट्टी का पीएच बढ़ा सकता है। अपने ब्लूबेरी प्लांट सॉइल पीएच को मेंटेन करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो आप अपने ब्लूबेरी प्लांट पे दे सकते हैं, जिससे देने से आपके ब्लूबेरी प्लांट का सॉइल पीएच लेवल मेंटेन रहेगा। एसिटिक प्रेमी पौधे के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए जैविक उर्वरक का उपयोग करें। ये उर्वरक धीरे धीरे पोषक तत्व छोड़ते हैं और मिट्टी की अम्लता बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ आप अपने ब्लूबेरी प्लांट पर कॉफी ग्राउंड, पाइन वुड डस्ट और विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो आपके ब्लूबेरी प्लांट के पीएच को मेंटेन करके रखेगा। किसी भी मरे हुए या क्षतिग्रस्त लकड़ी को हटाने और नई वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए सर्दी के अंत में या शुरुआती वसंत में ब्लूबेरी के पौधे की कटाई करें। ब्लूबेरी के पौधे में कीटों या बीमारियों के लक्षण के लिए आप पौधे के नियमित रूप से निगरानी करें। उन्हें नियंत्रित करने के लिए जैविक तरीकों का उपयोग करें, जैसे कि कीटों को हाथों से चुनना या नीम का तेल का उपयोग करना। ब्लूबेरी आमतौर पर गर्मियों में कटाई के लिए तैयार होती है। ब्लूबेरी तब चुनें जब वह पूरी तरह से पक जाए, यानी जब वह गहरे नीले रंग के हो और आसानी से पौधे से अलग हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही और एग्जॉटिक फ्रूट प्लांट वीडियो आते रहे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।